देश की संसदीय परंपरा में प्रश्न पूछने का अधिकार माननीय संसद सदस्यों को है। अदानी की नौकरी कर रहे हैं क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासन काल में देश के आम आवाम तो गरीब होता चला गया, लेकिन एक खास परिवार पर कृपा बरस रही थी, आज उसके राजनीतिक एजेंट बन गया। महुआ मित्रा ने जो सवाल पूछा है वो सवाल देश के अंदर में बुनियादी सवाल है, और लोकसभा में और राज्यसभा में कौन क्या प्रश्न पूछेगा यह भी अधिकार मोदी तंत्र में केवल और केवल मोदी सरकार के साथ रहने वाले लोगों को है। यह अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किसी को प्रश्न पूछने की आज़ादी है। लेकिन तो आरोप बहुत गंभीर है, किस बात का पैसा लेती हैं। भाई, आप प्रमाण दीजिए, किसी के बारे में अनर्गल आरोप लगा दीजिएगा। और सीएजी की रिपोर्ट आई कि द्वारिका एक्सप्रेसवे में 200 से ज्यादा करोड़ का सड़क बना, इस पर जुबान खामोश। भ्रष्टाचार का तो नग्न रूप इस देश के राजनीति में अगर देखना है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में। हरीश रावत कहते हैं कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि सभी ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दें, तब आपकी जो डेमोक्रेसी में माइट है वो पूरी दुनिया देखेगी। कौन है दुबे? भाई बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से संसदीय लोकतंत्र को अपमानित कर रही है, राज्यसभा के माननीय सदस्य संजय सिंह को सस्पेंड किया जाता है, विशेष सत्र में तमाम लोग विपक्ष के, मल्लिकार्जुन साहब ने यह सार्वजनिक अनुरोध किया, ये परंपरा रही है हमारी, लेकिन सस्पेंशन आपने वापस नहीं किया। तो इस तरीके से पूरे विपक्ष को आप सदन से अगर बाहर करिएगा तो 2024 में देश की जनता आपको सदन से बाहर करेगी। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर बीजेपी पाकिस्तानी खिलाड़ी पर फूल और शावर बरसा सकती है तो शिवसेना समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं बात कर सकती? देखिए, धर्म के नाम पर सियासत करना भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक फर्जीवाड़ा है। ये ऐसे लोग हैं कि बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक बताया, और यही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी जमीन आवंटित करता है। इनका दोहरा मापदंड है ना भाई, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही से देश की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, तो कौन किसके साथ गठबंधन करेगा यह भी भाजपा तय करेगी। आप तो कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्यों हो गए सबके साथ? क्यों, आखिर कारण क्या है? क्यों एनडीए का बैठक बुलाना पड़ रहा है? अभी तो दक्षिण भारत से पूरा सुपड़ा साफ हो गया गठबंधन का। आने वाला समय है जब उत्तर भारत से भी इनकी पूरे तौर पर विदाई तय हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हिंदू महासभा के कारण हुआ था, जिन्ना के कारण नहीं। देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ एक दुखद अध्याय था, और इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में, हिंदू महासभा उसी दौर में, और देश की आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। उस समय भी धार्मिक ध्रुवीकरण के पक्षधर ये थे, तो चाहे जिन्ना हो चाहे हिंदू महासभा के लोग हों, ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे थे। यही कारण आज है कि जिसने अंग्रेजों से 5 बार माफी मांगा उसका संसद में, नए संसद भवन में उसकी पूजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नहीं, जो देश के एकीकरण के पक्षधर थे। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इंडिया में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने उनका इशारा था जो इजराइल में युद्ध हो रहा है उसको लेकर। देखिए, दुनिया के अंदर युद्ध तो एक चिंता का विषय है, लेकिन भारतवर्ष एक महत्वपूर्ण राष्ट्र रहा है, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुआ रहे हैं। मोहन भागवत जी, ये आपके कृपा से नहीं, ये देश का इतिहास गवा रहा है कि ये देश नेतृत्व करता रहा है विदेश नीति के सवाल पर। हालांकि आप लोगों के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो विदेश नीति का भी राजनीतिकरण करना शुरू किया, उस पर भी अंतर विरोध दिखाने की कोशिश की गई। सच यह है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, आतंकवाद जैसे सवाल पर हम एकजुट रहे हैं।